हेलो दोस्तों। तो जब से मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था, जब मुंबई नेशनल पार्क में था तभी मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था और सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा। अभी मैं राजस्थान आया हूँ, तो अभी देखता हूँ जयपुर जा रहा हूँ आज मैं। तो ट्रेन आने दो, जयपुर जाके अपन आगे की जर्नी शुरू करते हैं और जयपुर में घूम के आते हैं, देखते क्या है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। चलो जयपुर जाके बात करते हैं अपन। जयपुर स्टेशन पे आ गए हम, पहुंच गए जयपुर। सुबह 10 बजे का ये पेड़ पीछे पूरा जयपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो अभी हमारा दोस्त आने वाला है, एक फ्रेंड, तो उनके घर पे जाएंगे और नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद में आगे घूमने जाएंगे। दोस्तों जयपुर राजस्थान की राजधानी है और ये पिंक सिटी के नाम से मशहूर है सब जगह। अच्छा, मतलब 6 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते। ये बस डिपो है, राजस्थान रोडवेज बस डिपो। यहाँ पे रास्ते में आता है, स्टेशन रोड के सामने ही है, जस्ट रोड से जाएंगे तो आप सामने ही आएगा। यहाँ से चाय पीने के बाद में मैं निकल गया जल महल की ओर, और जल महल का व्यू देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा व्यू था भाई। एक चार दरवाजे का मिल गया जाता है मेरे को, इसमें अच्छी। भाई सब जल महल का व्यू है, ये पीछे मेरे पीछे जल महल है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप भी लगी हुई है जहाँ से आप खरीदी कर सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफर भी है बहुत सारे। जो भाई सब व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है, बहुत बोले बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ व्यू। लेकिन एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत ख़राब लगी, वो है यहाँ का नीचे थोड़ा कैमरा करूँगा तो आप देखेंगे कचरा। ये देखो, ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे आप कचरा देखेंगे तो खड़ा नहीं रह पाओगे आप, इतना ज़्यादा यहाँ पे कचरा है। यहाँ की गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इस जल महल का जो
आगे दिख रहा है ना, वो एक ही भाग ऊपर दिख रहा है, बाकी इसका 4 फ्लोर है वो पूरा पानी के अंदर है, वो एक ही फ्लोर पानी के बाहर है। वाओ, जल महल का नज़ारा देखने के बाद में मैं सीधा निकल गया हवा महल, जो कि थोड़ा रात हो चुका था, तो नाइट का व्यू काफ़ी अमेजिंग दिखता है लाइट के साथ। वाओ भाई साहब, क्या अमेजिंग व्यू है। आगे रास्ता था, इधर था कि सुनता था कि